हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चाहे आप LIC में ज्वाइन किए हुए एक नए एजेंट हो या अपने लिए एक पॉलिसी लेना चाहते हो, इंश्योरेंस प्लान चुनना एक जटिल काम नज़र आता है और हमें कई बार ये समझ नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा प्लान सही रहेगा। मैं इस वीडियो में LIC के प्लान्स के प्रकार को समझाने का कोशिश करूँगा और मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कस्टमर्स को प्लान समझाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अपने लिए प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी बड़े ही आसानी से चुन पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्लान्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी जो मानव के जीवन के ऊपर किया जाता है उसे लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, और बाकी सारे जितने चीज़ों पर इंश्योरेंस किया जाता है उसे जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। जैसे कि आपके गाड़ी, घर इत्यादि के ऊपर जो भी इंश्योरेंस किया जाता है उसे जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। मूल तौर पर लाइफ इंश्योरेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी कि इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, इसमें सिर्फ अगर पॉलिसी धारक का मृत्यु होता है तभी नॉमिनी को पैसा मिलता है। और एंडोमेंट इंश्योरेंस में मैच्योरिटी में भी पॉलिसी धारक को पैसा दिया जाता है। जैसे कि दोनों ही इंश्योरेंस है तो रिस्क कवरेज दोनों में ही होता है, यानी कि डेथ बेनिफिट दोनों में ही है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट ही होता है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। एंडोमेंट इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट के साथ साथ मैच्योरिटी का भी बेनिफिट दिया जाता है। इंश्योरेंस प्लान्स को समझने से पहले इंश्योरेंस के कई इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उन्हें जाने बिना हम इंश्योरेंस प्लान्स को समझ नहीं सकते। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम जान लेते हैं। सबसे पहले होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड यानी कि आप कितने रुपयों का पॉलिसी ले रहे हैं। उसके बाद आता है टर्म। टर्म यानी कि समय, आप पॉलिसी कितने समय के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आता है PPT यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी आपके पॉलिसी को लेने के लिए कितने वर्षों तक प्रीमियम भरना होगा। उसके बाद आता है टोटल प्रीमियम टू बी पेड। टोटल प्रीमियम टू बी पेड का मतलब होता है इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको टोटल कितने रुपये भुगतान करने होंगे। उसके बाद है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी कि आपको मैच्योरिटी के वक्त कितना रिटर्न मिलेगा। उसके बाद राइडर यानी कि अदर बेनिफिट्स, एक पॉलिसी लेने से मैच्योरिटी के अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम एक कृषि ले लेते हैं जो अपने जमीन पे खेती करना चाहता है, तो उसका जमीन जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसे लाभ भी मिलेगा और उसे उसके लिए उतना ही खर्चा भी करना होगा। तो जमीन जितना भरा उतना ही ज्यादा मुनाफा, तो ये रहा आपका सम एश्योर्ड यानी कि जमीन का साइज। और कृषि के लगाए हुए फसल को पकने में जितना टाइम चाहिए होगा उसे टर्म कहा जाता है, यानी कि लगाने से लेके फसल पकने तक जितना भी समय लगेगा उसे हम टर्म कहेंगे। और कृषि को फसल के पूरे अवधि में जितने भी सालों तक खर्चा करना होगा उसे साल को हम प्रीमियम पेइंग टर्म कहेंगे। उसके बाद इस कृषि को फसल को लगाने से लेके कटाई करने तक जितना भी खर्चा हुआ उसे हम टोटल प्रीमियम पेड समझ लेते हैं। उसके बाद आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी कि कृषि को फसल बेच के कितना लाभ हुआ उसे हम मैच्योरिटी पकड़ लेते हैं। मैंने आपको इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बेहद ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम LIC के प्लान्स को 8 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आता है एंडोमेंट प्लान्स, होल लाइफ प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, यूलिप प्लान्स, सिंगल प्रीमियम प्लान्स, टर्म प्लान्स, पेंशन प्लान्स और हेल्थ प्लान्स। तो चलिए इन प्लान्स के प्रकार को हम विस्तार से समझते हैं। एंडोमेंट प्लान्स आमतौर पर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसीज होते हैं जिनमें पूरे पॉलिसी टर्म में लाइफ कवरेज बना रहता है। इन प्लान्स का खास बात ये है कि मैच्योरिटी के वक्त एक ही साथ में पूरे पैसों का भुगतान पॉलिसी होल्डर को होता है। ये सबसे फ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं। आम सुविधाएं जैसे लोन से लेके सरेंडर तक और अदर राइडर बेनिफिट्स भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। होल लाइफ प्लान्स, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये पॉलिसी पूरे जीवन काल के लिए होता है, लेकिन यहाँ होल लाइफ का मतलब है पॉलिसी धारक के 100 वर्ष पूरे होने तक का कवरेज। अभी के लिए LIC में दो ही होल लाइफ प्लान्स है जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के पॉलिसीज है,
जिसमें प्रीमियम के भुगतान खत्म होने के बाद पॉलिसी धारक को हर साल सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी दिया जाता है, जिसे आप पेंशन भी मान सकते हैं, और ये पॉलिसी धारक के 100 वर्ष पूरे होने तक दिया जाता है। इस पॉलिसी का मैच्योरिटी पॉलिसी धारक के 100 वर्ष पूरे होने पे होता है। आम सुविधाएं जैसे लोन, सरेंडर एंड अदर राइडर बेनिफिट्स भी इस पॉलिसी में उपलब्ध है। मनी बैक प्लान्स, बाकी पॉलिसीज में पैसों का भुगतान मैच्योरिटी के वक्त ही होता है, लेकिन मनी बैक प्लान्स में पॉलिसी मैच्योरिटी होने से पहले भी पॉलिसी धारक को पैसों का भुगतान होता है। ये कब कब और कितना होगा पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। मनी बैक के साथ इनमें मैच्योरिटी का भी सुविधा दिया जाता है। आमतौर पर इन पॉलिसीज के टर्म और पीपीटी फिक्स्ड रहते हैं। लाइफ कवरेज पॉलिसी के पूरे होने तक मिलता है। लोन, सरेंडर और अदर राइडर बेनिफिट्स भी इन पॉलिसीज में उपलब्ध है। यूलिप प्लान्स, यूलिप का मतलब है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये पॉलिसीज मार्केट के ऊपर निर्भर होता है। LIC आपके पैसों को शेयर्स में लगाता है, जिससे इन पॉलिसीज में रिटर्न भी दूसरे पॉलिसीज के मुकाबले ज्यादा मिलता है और रिस्क भी उतना ही होता है। आप खुद के अनुसार रिस्क का चुनाव अलग अलग फंड्स के रूप में कर सकते हैं। इनका मैच्योरिटी मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। इन पॉलिसीज में पार्शियल विथड्रॉन यानी कि मैच्योरिटी होने से पहले आप चाहे तो कुछ पैसा अपने मुनाफे से निकाल भी सकते हैं और पॉलिसी भी बंद नहीं होगा। पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक का लाइफ कवरेज बना रहता है। LIC के यूलिप का खास बात है कि लाइफ रिस्क कवरेज मार्केट के ऊपर निर्भर नहीं करता। सिंगल प्रीमियम प्लान्स, सिंगल प्रीमियम प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनका प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी लेते वक्त एक ही बार कर दिया जाता है, और आप जितने सालों तक पॉलिसी लेते हैं पूरे अवधि के दौरान लाइफ कवरेज दिया जाता है। पॉलिसी के अंत में मैच्योरिटी का भुगतान होता है, और कई सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज में मनी बैक का भी सुविधा रहता है। ये कई प्लान्स के रूप में आते हैं। लोन फैसिलिटी, सरेंडर और अदर राइडर बेनिफिट्स भी पॉलिसीज में उपलब्ध है। टर्म प्लान्स, जैसे इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था, टर्म प्लान में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। इनमें सिर्फ पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक को लाइफ कवरेज का सुविधा दिया जाता है। ये बाकी दूसरे पॉलिसी से सस्ते होते हैं, यानी कि आप कम प्रीमियम में ज्यादा सम एश्योर्ड ले सकते हैं, और यही ट्रू इंश्योरेंस होता है। लेकिन याद रहे, इनमें कोई सेविंग्स का पार्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही लोन और सरेंडर में आपको कोई पैसों का भुगतान भी नहीं होता। पेंशन प्लान्स, ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान्स के पॉलिसीज होते हैं, जो कि खास तौर पर सिंगल प्रीमियम प्लान्स होते हैं। पॉलिसी के दौरान सम एश्योर्ड का लाइफ कवरेज दिया जाता है, और आप अपने लिए पेंशन का चुनाव कर सकते हैं, जो कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली होता है। पेंशन के दौरान पॉलिसी धारक का पैसा सुरक्षित रहता है, और सरेंडर ना करने पर पॉलिसी धारक जितने दिन जीवित रहते हैं उतने सालों तक पॉलिसी धारक को पेंशन अपने ही दिए हुए पैसों से मिलता रहता है, जो कि पॉलिसी धारक के मृत्यु के बाद नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड का लाभ मिलता है। इन पॉलिसीज में लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हेल्थ प्लान्स, हेल्थ प्लान्स आपके बीमार पड़ने से या कोई शारीरिक आपदा आने से काम आता है। इन पॉलिसीज में इलनेस कवरेज, हॉस्पिटल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज इत्यादि का सुविधा रहता है, और कई दूसरे सुविधाएं भी उपलब्ध है जो कि पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। इनमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, और ना ही डेथ रिस्क कवरेज के रूप में कोई पैसा दिया जाता है। मैंने इस वीडियो में पॉलिसीज के प्रकार को बेहद ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको किसी भी पॉलिसी के विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस प्लान के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और बाकी राइडर एंड अदर बेनिफिट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके मन में कोई सजेशन हो इस वीडियो को लेके तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।